वीडियो है। समान लुट गया लोगों नूं पिंडां दे विच ही मतलब कि मारिया वड्डे हाल ढुकिया बड़ा नुकसान होया। हांजी जिहड़े मुसलमान सी उह फिर मतलब कि इधर रहे, हिंदू जिहड़े सी उधर बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत राफियत होंगे और अल्लाह पाक से दुआगो हूँ कि वो हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो इस दुआ के साथ और रब्बे ज़ुलजलाल के बबरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी रेडी है, तो इसका मतलब है कि आज फिर से कहीं दूर निकलने का प्रोग्राम है। तो आज फिर चलते हैं किसी अच्छी सी साइड को और किसी तारीखी मकाम का विज़िट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आज के व्लॉग में बहुत सी नई चीज़ें। सुबह सुबह का टाइम है तो माशाल्लाह फसलें बहुत खूबसूरत लग रही हैं और हवा वगैरह मौसम वगैरह आबो हवा बहुत खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह आगाज़ है जी, सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, तो सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। मैं अभी गांव से निकला हूं, गांव से निकलकर करीबी अड्डा है सबज़बीन मोड़, वहां तक जाना है और वहां से बाकी दोस्त जो हैं वो सारे दोस्त हमारे वहां से हमारे साथ इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अड्डे की जानिब। तो मैं सबसे पहले अपने मीटिंग पॉइंट यानी अड्डे पर पहुंच चुका हूं। ड्रेसर से मैंने काम करवाना था इसलिए मैं पहले आ गया था, लेकिन ड्रेसर यहां पर नहीं है, दुकान बंद है। तो जैसे ही वो आएगा अपना काम करवाएंगे। ले जी, मैं भी रेडी हो चुका हूं और मोहसिन भाई और ताहर भाई भी आप देख सकते हैं कि आ चुके हैं और अब सिर्फ इंतज़ार है जुनेद भाई का। जैसे ही जुनेद भाई आते हैं फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। ले जी, जुनेद भाई भी पहुँच चुके हैं और हम इंशाल्लाह निकल पड़े हैं। ताहर भाई और पीछे मोहसिन भाई, जुनेद भाई और एक बंदा आगे रहता है जी, उस्मान भाई भी आज साथ चलेंगे और उस्मान भाई को लेते हैं किंगरा जाकर, फिर वहां से अगला सफ़र जो है वो जारी रहेगा। फाइनली हमारी टीम मुकम्मल हो चुकी है, काफ़ी देर वेट करना पड़ा है उस्मान भाई का। ये रहे उस्मान गड़ी साहब और पीछे ताहर भाई हैं, उस्मान भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, अकरम भाई और हमारे साथ हैं जुनेद भाई। तो टीम हो चुकी है मुकम्मल और अब हम निकले हैं इंशाल्लाह जफरवाल साइड को, वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ सफ़र जारी रखेंगे। तो चलते जाते हैं आगे और आपको थोड़ा सा जो है वो रोड का सीन, रोड क्योंकि काफ़ी ख़राब है तो रोड भी दिखाते हैं आपको कि किस तरह के रोड पे हम सफ़र कर रहे हैं। ये देखें जी, ये हालत है इस वक्त रोड की आपके सामने। तो काफ़ी ख़राब जो है वो रोड ये हो चुका है, लेकिन जफरवाल से आगे निकलने के बाद वहाँ पर रास्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे और बिल्कुल साफ़ रोड है आगे जाकर। तो ये रहा जी एक बार फिर नाला डेक का पुल। तो बिल आखिर ख़राब रोड से जान छूट चुकी है, हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से जफरवाल में, जफरवाल में और इससे आगे जो है वो रोड साफ़ हैं। आगे का सफ़र इंशाल्लाह मज़ेदार होने वाला है, तो साथ जुड़े रहिएगा। बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस को आज हम कवर करने वाले हैं। जफरवाल चौक और जफरवाल से आगे की सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं जी। नाज़रीन, तो हम ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो शकरगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो ये है टाइम अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करने का। तो मुझे तो आप सब जानते ही हैं नईम पांडो और ये हैं जुनेद राजपूत साहब। तो इन सब दोस्तों के चैनल के जो है वो मैं लिंक इंशाल्लाह इस वीडियो में, आज की वीडियो में दे दूंगा, तो आप सब ने ज़रूर विज़िट करना है। मेरे पीछे ताहर भाई और उस्मान साहब हैं और पीछे हैं मोहसिन भाई, ये सब यूट्यूबर्स हैं। इंशाल्लाह इनके यूट्यूब के चैनल के लिंक जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ताहर भाई और मोहसिन भाई जो हैं ये ज़्यादातर हिस्ट्रिकल व्लॉग्स जो हैं इनके होते हैं, हिस्ट्री से मुतल्लक।
तो इनके ब्लॉग ने हमें इतना ज़्यादा मुतासर किया था कि हम खुद भी जो है इनके साथ अब हिस्ट्री की कवरेज कर रहे हैं। लेकिन यह है कि इन्होंने बेहतरीन जो है मेहनत की है, बेहतरीन ब्लॉग्स बनाए हैं। और उस्मान भाई भी नए नए हैं अभी इस टीम में, और इनका भी जो है यूट्यूब चैनल वो डेली ब्लॉग्स पर है, तो इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टीम, आज अल्हम्दुलिल्लाह टीम मुकम्मल है। सिर्फ शुएब भाई नहीं है, लेकिन शुएब भाई का जो है वो यूट्यूबर चैनल क्रिकेट के वाले से है, वो ब्लॉगिंग के वाले से नहीं। तो खैर आज वो मिस हैं, बाकी हम तमाम बंदे जो हैं वो आपके सामने हम जा रहे हैं, और जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं शकर। तो हम इस वक्त जो है वो शकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, जो काफ़ी तारीखी मुकाम है और काफ़ी तारीखी जगह है ये भी। तो चलिए इसको देखते हैं, और इसका जो है वो अलग से व्लॉग आपको मिलेगा इंशाल्लाह, हिस्टोरिकल व्लॉग। फिलहाल हम पहुंचे हैं जी शकरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास, आप देख सकते हैं सामने। तो ये है शकरगढ़ रेलवे स्टेशन की तारीखी इमारत। तो यहाँ मौजूद बुज़ुर्गों से हमने काफ़ी कुछ पूछा, समझा, देखा और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, और तारीख के उस दौर को जो है वो अपने आप में महसूस करने की कोशिश की। सफर किया ट्रेन के बीच करते रहे जी, और बहुत ही अहम मुसाफर हुआ करते थे, बहुत रश होता था, समान लुट गया लोगों को पिंडों के बीच ही, मतलब कि मारिया बड़े हाथ ढुके, बड़ा नुकसान होया जी। हाँ जी, मुसलमान से जो फिर मतलब इधर रहे, हिंदू जिहड़े सी उधर बाहर जी। सब दोस्तों ने इस वक्त गाड़ी देख सकते हैं पीछे, और ये है वो रेलवे स्टेशन शकरगढ़ रेलवे स्टेशन की। सब दोस्तों ने वीडियो बनाई है, तारीखी वीडियो, और अब हम निकलने लगे हैं अगले पड़ाव की जानब। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेशन पर, और अगली जो तारीखी जगह है वहाँ पर जाकर अपना अगला व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करें। नहीं जी, ये ताहर भाई और मोहसिन भाई की बदौलत हमने ये सारा एरिया जो है विज़िट किया है, वरना हो सकता है पिछली पहले की तरह, यानी कि सारी ज़िंदगी हम कभी जफरवाल से इस साइड को जाए, बहुत कम आए हैं कभी। मैं मुझे नहीं याद कि मैं कभी नारवाल या शकरगढ़ तो स्पेशली एक दफ़ा भी नहीं आया मैं। लेकिन ताहर भाई की बदौलत और मोहसिन भाई की बदौलत काफ़ी हिस्टोरिकल जगह जिनको देखकर मज़ा आया है, और जिनको देखकर काफ़ी कुछ जानने को मिला है, तो ये इनकी बदौलत है। हम जा रहे हैं अब अगले स्टेशन की जानब, मेरे ख्याल से मरियाल स्टेशन है, वहाँ पर जाकर उसकी भी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और जो वहाँ पर बिल्डिंग होगी या आसार जो बाकी होंगे उस स्टेशन के, उनको जो है अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ये आसार वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रही हैं, अगर इनको रेनोवेट नहीं किया जाता तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो इनको वीडियो की सूरत में सेव किया जा रहा है कि आने वाली जो हमारे जो आने वाले लोग हैं वो इनको देख सकें, तो ये वीडियो की सूरत में सेव होंगी तो ये उन तक पहुंच सकेंगी। तो ये हमारी काविश है, ये हमारी मेहनत है, इंशाल्लाह आप लोग भरपूर अंदाज में इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ हम चलते रहेंगे और ऐसी वीडियो जो है वो बनाते रहेंगे। तो नाज़रीन, हमारा आज का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप सबके कीमती वक्त को देखते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगला सफ़र इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।